सर उपेंद्र भाई स्टार्ट है उपेंद्र भाई जिंदाबाद लाइव चालू है लाइव चालू है हाँ जय हिंद साथियों मैं साजिद किसी साइन चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त आप सभी देख रहे होंगे शहीद स्मारक से सभी लाइव चल रहे हैं। रीड के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की इस मुहिम में लगातार इतने लोगों का संघर्ष इतने लोगों का साथ बना है और धीरे धीरे शहीद स्मारक पर आप संख्या देख सकते हैं लोगों का तो जन सैलाब है इतना बढ़ चुका है कि रीड के पद जो 31,000 से 50,000 की घोषणा हो सकती है बहुत हो जाएगी। लेकिन साथियों अभी भी देखने को मिल रहा है कि जितने लोगों को जो मैंने पहले भी कहा था 31,000 से 50,000 होने पर जिन 19,000 विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है वो विद्यार्थी शहीद स्मारक पर अभी भी दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर आप एक बार आ जाइए आपको देखकर बहुत से लोग आ जाएंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ वो कहीं भी नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि कल मुझे शहीद स्मारक पर 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट देखने को मिले। साथ ही मैंने पहले भी कहा था 12 दिसंबर को एक महारैली होने वाली है उससे पहले अगर अपने ने अपना जो संख्या बल दिखा दिया तो उससे अपने पद की घोषणा जल्द हो सकती है। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है निवेदन है कि जल्द से जल्द शहीद स्मारक पहुंचने की कोशिश करें। दूसरी बात साथियों विशेष जितने भी इसके कारण रहे हैं आप सभी एक के कारण जानते हैं कि 31,000 से 50,000 जो होने की मुहिम है ये कितनी वाजिब है इसकी जो मांग है वो कितनी जायज़ है। और बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर आपके इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद भी आप इस मुहिम से क्यों जुड़े हुए। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है देखिए मैंने 30 मैं एक यहाँ पर ना तो कोई यूट्यूबर की हैसियत से आया हूँ ना ही मैं कोई लीडर हूँ और ना ही मैं अभी कोई टीचर की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक रीट का स्टूडेंट हूँ। 2 बार रीट का मैं पॉइंटों से रह चुका हूँ। आपको पहले भी बताया था 102 मार्क्स थे 2015 आई थी और 2018 में 118 मार्क्स थे मेरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुहिम में जुड़ने का जो सबसे बड़ा एक मैंने निश्चय कर लिया था वो यही था 2018 में जब 70-30 का एक काला कानून चल रहा था उस 70-30 वेटेज के कारण मैंने उस समय भी बहुत से विद्यार्थियों के बात कही थी कि आज शहीद स्मारक पर या जो भी लीडर अपने लिए आगे आ रहे हैं उनको संख्या बल दिखाकर ये 70-30 का वेटेज का जो मामला है उसको हटाते हैं। उस समय भी बहुत से साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया था उसके कारण बहुत से ऐसे लोग थे कि मैं 118 वाला था 121 वाले 120 वाले ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे इतने वाजिब कारण होने के बाद भी 70-30 का वेटेज नहीं हटा। और जब कट ऑफ उन लोगों के सामने आई तो कट ऑफ देख के उनके होश उड़ गए कि इतने परसेंट लाकर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सेम यही बात होने वाली है रीट के अंदर अगर 31,000 पोस्ट आएगी उसके ऊपर अगर सब्जेक्ट वाइज आप पोस्ट देखोगे आपको पता है लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड के अंदर यानी 16,000 और 15,000 पोस्ट आती है। साइंस में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता है कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है उनको उम्मीद है कि अगर 3,000-3,500 पोस्ट आएगी तो मेरा 130 में सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों मेरे 137 नंबर है फिर भी यहाँ पर बैठा हूँ। लोग 80% लाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डर रहे उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना तो इस पेपर में कोई विभेदकारिता थी ना वैधता थी ना वस्तुनिष्ठता इतने मूल्यांकन के हमने गुण पढ़े हैं अगर इस पेपर में एक भी चीज़ होती ना तो आज हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ता। 3 साल तक हम बेरोजगार कोरोना के इस माहौल में कोरोना में हमने अपने परिवारों में देखी कितनी आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम रही है। मैं खुद एक टीचर रहा हूँ आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कोचिंग संस्था छोड़कर मैंने ये निश्चय कर लिया कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी नहीं है। आपसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं मुझे पता है वो जस्ट इस एग्जाम के बाद प्राइवेट कुछ ना कुछ काम करें अपने घर की स्थिति को चलाने के लिए लेकिन ये स्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी। अगर सरकारी जॉब हमें चाहिए हमने 3 साल तक अगर एग्जाम की तैयारी करके संघर्ष कर सकते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे क्यों नहीं कर सकते। हमें घर बैठे मैसेज करने आते हैं टेलीग्राम पर ट्वीट करते रहते हैं मैसेज करते रहते हैं कि सर 50,000 कब होंगे 50,000 में शहीद स्मारक पे क्या चल रहे हैं लोग सर आप क्यों नहीं आते हो आप तो घर पर बैठे बहाने बनाते हो। मैं यकीन मानिए सुबह मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी उसके कारण थोड़ा सा मुझे लेट हुआ मेरा साथी है अकेला मैंने चुरू से जब चला था तो मेरा अकेला साथी जयप्रकाश है जयप्रकाश जानी इन्होंने अकेले ने हिम्मत दिखाई कि सर मैं आपके साथ चलूँगा कोई चलो यहाँ चलो यहाँ से चुरू से सिर्फ 2 स्टूडेंट हम चल के आए हैं जबकि इसके 135 नंबर है मेरे साथी की फिर भी यहाँ पर चल के आए किस लिए क्योंकि इसमें भी ये दौर देखा है कि तैयारी करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में आपने मेहनत की है ना तो अपने हक के लिए शहीद स्मारक पर पहुँच जाना अदरवाइज बार बार आपको ये बात कोई नहीं कहेगा। बहुत जल्द हो सकता है इस घोषणा हो जाए लेकिन ये घोषणा तभी होगी जब हज़ारों की संख्या में यहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे। तो दोस्तों मैं बार बार मैं आपसे एक बात नहीं करना चाहता कि शहीद स्मारक आइए आइए इस मुहिम में आप सभी का इतना सारा प्यार इतना सारा सम्मान इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिली है और मैं इसी के कारण इतना मोटिवेशन मुझे मिला है कि हमेशा यहाँ पर मैं आपके सामने बैठा हूँ और जब तक यहाँ पर बैठा रहूँगा जब तक रीट के जाए तो 50,000 तक ना पहुँचे। मेरी मम्मी की तबीयत खराब उसके बावजूद भी यहाँ पर आए हूँ इसके बड़े इससे बड़े भी अगर आपके पास कारण है आपको लगता है कि आप लड़की है
वर्षा बहन के बारे में मैंने बताया था आपको, 6 बजे सुबह पता चलते हुए निकल गई थी। यहाँ पर बहुत सी अपनी बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर, आपको किसी भी प्रकार की रहने की, खाने की, सोने की किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने अच्छे लीडर हमारे सपोर्ट में, अपने एक सब एक हो चुके हैं और हम सब एक है शुरुआत से इस मुहिम में। ये मुहिम जब से स्टार्ट हुई है आप सभी का इतना सारा प्यार सम्मान मिला है। आपसे शहीद स्मारक पर इस वक्त लाइव आकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, अपने हक के लिए जा जाइए। अदरवाइज जो मेरे साथ 2018 में कट ऑफ देकर हुआ था वो आपके साथ बहुत जल्द हो सकता है, और इस बात का एहसास उस दिन होगा जिस दिन कट ऑफ सामने आएगी 30,000 पदों पर। और 50,000 पद होने पर आपको भी पता है हर सब्जेक्ट में सभी को इतना फायदा होगा। ये मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसमें कोई अपने खिलाफ नहीं है, सब अपने साथ हैं, सब एक हैं, सारे लीडर एक साथ अपने साथ उतर चुके हैं। अगर आप अभी भी घर पर बैठ के सिर्फ तमाशा देखना चाहते हो तो रीट के पद 50,000 नहीं होंगे। आपसे पूरा उम्मीद ही नहीं, मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्द आप सही समाज पर देखने को मिलेंगे। जय हिंद। साथियों को पहले परेशानी थी कि सर आ नहीं रहे शहीद स्मारक पर, तो अब साजे सर भी शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं। अब साथियों ये तो आपको पता ही होगा, खुद के लिए तो नहीं आए हैं यहाँ पे, आए तो आप लोगों के लिए ही है। जब साजे सर यहाँ 138 नंबर ला कर इतनी दूर से चल के हमारे लिए यहाँ पे आ सके हैं, तो कम से कम आप जिनके नंबर कम रनर बन रहे हैं या जिनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सलेक्शन में जिनको डाउट है, तो उनको तो कम से कम यहाँ आ जाना ही चाहिए। कुछ साथी जयपुर में ही होंगे और हजारों की संख्या में होंगे, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स या फर्स्ट ग्रेड की या जो भी जितने भी तैयारी करने वाले हैं, जो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है सारी कोचिंग है, तो कम से कम वहाँ से चल के तो यहाँ पर आ ही सकते हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो श्रीगंगानगर से चल के यहाँ पर आ रहे हैं और नंबर 137 है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि किसी के 100 नंबर हैं तो किसी के 137 नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जिनके 100 नंबर हैं और 137 नंबर हैं, ये लोग अपने लिए नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं ये अपने किसी साथी के लिए आ रहे हैं, या फिर समझ लो कि आप दूसरों को भला करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा सर हमारे लिए यहाँ आ गए हैं, आपने कहा था कि सर नहीं आ रहे, सर आएंगे तब आएंगे, तो अब सर भी पहुँच चुके हैं, तो सबसे आशा तो यही रहेगी कि कम से कम कल आप संख्या बल दिखा दोगे सुबह सुबह, जितना जल्दी हो सके आप सुबह रेडी होके निकल जाओ और सर 10 बजे तक शहीद स्मारक पर पहुंच जाओ। कल हजारों की संख्या में अगर यहाँ भीड़ दिखेगी तो मुश्किल से मुश्किल गवर्नमेंट को 2 या 3 दिन लगेंगे ये घोषणा करने में कि 50,000 किए जा रहे हैं। जिस तरीके से हमको रात को 12:30 बजे कॉल किया था यूपी में, और साथ रात को 12:30 बजे कॉल करके कहा था कि हमें 5 मिनट में लिखित में आपको ये देंगे कि हम आपको बुला रहे हैं 5 मिनट में। वो क्यों कहा था कि क्यों प्रेशर था गवर्नमेंट पे, इसलिए उन्होंने कहा था कि लिखित में दे देंगे। अगर हम यहाँ पे प्रेशर ऐसा ही क्रिएट कर देंगे ना, तो गवर्नमेंट को बस एक ही दिन लगेगा घोषणा करने में। उनके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप नहीं आओगे ना तो उनके पास ऑप्शंस हैं नई भर्ती निकालने के, क्योंकि उनको संख्या जहाँ ज़्यादा दिखेगी ना वो उस तरफ ही जाएंगे। फिर अगर आपको लग रहा है कि अगर आप यहाँ नहीं आए ना तो वो उस संख्या को देखेंगे, फिर नई भर्ती वाली संख्या को, हो सकता है उनको लगे कि वो लड़के ज़्यादा हों, तो कम से कम आप 1-2 दिन 3 दिन तो यहाँ पे संख्या दिखा ही सकते हो अपनी। अब काफ़ी साथी हैं हमारे जो यहाँ पे दिखा दो, जो अपने रात में यहीं पे सबकी व्यवस्थाएं होती हैं, देखो सोने की, अपने यहीं पे खाने की, पीने की, सोने की सभी व्यवस्थाएं तरीके से होती हैं। यहाँ पे सभी साथी आपको दिख भी रहे होंगे, सभी के लिए रजाई गद्दों की व्यवस्था करवा दी जाती है अलग से सोने के लिए, गर्ल्स की भी व्यवस्थाएं यहीं पे हैं अपने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप दूर से आ रहे हो तो आप आइए, आपका स्वागत है, और जब आप आ रहे हो तो सिर्फ लड़ने के लिए आना है यहाँ पे, बस ऐसा नहीं है कि आपको छोटी मोटी परेशानी हो आप परेशान हो जाएं। देखो परेशानियाँ तो हो सकती है कि कुछ दिक्कतें आए आपको, लेकिन हमें लड़ना है यहाँ पे आके, हमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ साथी हमारे आपने पहले देखे होंगे पिछले 25 दिन से तो क्या पिछले 3 महीने से धरना दे रहे थे, और वो सफल सबकी भर्तियाँ जितनी भी थी विशेष शिक्षक वालों को छोड़ के, वो 3-4 भर्ती वाले हमारे साथ बैठे थे, सबकी बातें मान ली गई। वो क्यों मान ली गई, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार डट के बैठे रहे, वो हटे नहीं अपनी जगह से, तो कम से कम आप अपने 3 महीने नहीं तो 4-5 दिन तो कम से कम डट के बैठ ही सकते हो यहाँ पे, तो अपना संख्या बल दिखाएं। अगर आप आओगे तो आप लोगों को देख के और लोग भी मोटिवेट होंगे। अगर यहाँ पे 500 की भीड़ दिखेगी तो दूसरे दिन 1,000 की भीड़ जरूर आ जाएगी, अगर 1,000 दिखेंगे तो 2,000 हो जाएंगे, तो
अपने आसपास के जितने भाई बंधु हैं ना वो तो आए, वो ये ना सोचे कि यहाँ पे ये जाएगा तभी मैं जाऊँगा, वो आएंगे तभी मैं आऊँगा। अब तो आपको साजिद सर भी आ गए हैं, उपेन जी भी यहीं पे हैं और अपने क्या नाम महेंद्र सर भी आ गए हैं, सबके सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहे हैं सारे चेहरे, आप देख सकते हो। उपेन जी भी यहीं पर हैं अभी हमारे साथ रूबरू हुए हैं सचिवालय से आके, और महेंद्र जी भी यहीं पर लेके हुए हैं, सभी लीडर एक साथ मिल गए हैं। अब इससे अच्छा और क्या होगा, देखो सबके सब एक साथ आ गए तो बस अब ज़रूरत आप लोगों की है, यहाँ पे आप अपनी संख्या बल दिखाएं, अधिक से अधिक संख्या में जितना भी हो सके कल 10 बजे तक शहीद स्मारक पर पहुँच जाए। एंड कैसे करूँ इसको, कुछ नहीं एंड क्यों कर रहा है, समय बहुत कम बाकी है। इसके अलावा आप सभी जितने भी देखे कोचिंग संस्था वाले हैं, आप सभी से भी मेरा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप सभी से, हम सभी स्टूडेंट्स आप ही कोचिंग संस्थाओं से पढ़े हुए हैं, आपके ही हमने कोर्स लिए थे, आप पर हमने इतना भरोसा किया, और जब टॉपर्स की लिस्ट आई तो उन्होंने आपने सिर्फ उन टॉपर्स का नाम देख लिया है, लेकिन हमारे नंबर भी वो ही है, हम भी किसी टॉपर से कम नहीं है, हमारा संघर्ष भी वैसा ही है, इसी कारण से हो सकता है उनसे 2-4 नंबर हमारे कम रहे होंगे। आप सभी से भी मेरा यही निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी हमारा खुलकर सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज हो सकता है ये सारे स्टूडेंट्स जो आज बेरोजगार है इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतने दिलों में इनके दर्द है, ये दर्द कहीं आप पर गलत ना पड़ जाए, ये हो सकता है आपका विरोध करना शुरू कर दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके किसी ये किसी भी प्रकार का कोई गलत कमेंट या कॉम्प्लीमेंट आप पर नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी खुलकर हमारा सपोर्ट कीजिए। अपने जो भी छात्र जयपुर के आसपास के जितने भी कोचिंग संस्था है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अब कुछ समय अपने छात्रों को यहाँ पर भेजकर हमारी जो जज मांग है 31,000 से 50,000 पद की, उनको कामयाब करने भी हमारी मदद करें। और जितने भी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं, धीर सिंह दवाई सर है उन्होंने खुल के हमारा सपोर्ट किया है, उत्कर्ष क्लासेस के जो निर्मल सर है उन्होंने भी खुलकर ट्वीट किया है, आपसे फिर से मैं निवेदन करता हूँ एक बार फिर से हमारे हक के लिए आप सभी को बोलना होगा, गवर्नमेंट से अपील करनी होगी, रिक्वेस्ट हमारे लिए करनी होगी, क्योंकि हम सभी आपके ही स्टूडेंट्स हैं और आपसे ही पढ़े हुए हैं और आगे भी आपसे ही पढ़ते रहेंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट को प्लीज इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, क्योंकि हमारी मांग जायज है, आपको भी कारण पता है और जल्द ही हमारी मांग पूरी होगी, आपकी ये छोटी सी एक कामयाबी आप सभी के नाम होगी। धन्यवाद जय हिंद। बंद कर ध्यान रखना।